तो है गाइस, मैं हूँ शीमा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शीमा स्टूडियो पे, जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेकअप रिलेटेड वीडियोस। तो चलिए, आज मैं जो लिप पैलेट का रिव्यू करने जा रही हूँ वो है डीएनसी का मल्टी शेड लिपस्टिक पैलेट। और इस पैलेट का मैंने अभी तक अनबॉक्सिंग नहीं किया है, मतलब मैंने अभी तक स्वाचेस वगैरह कुछ नहीं किया है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। तो ये है फुल पैलेट, आपको मैं दिखा देती हूँ कि मैंने अभी तक इसका सिंगल स्वाचेस भी नहीं किया है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि प्रोडक्ट का पूरा फर्स्ट जो एक्सपीरियंस मेरा भी होता है, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ, कुछ हद तक आपको भी मतलब ख़रीदने से पहले थोड़ा बहुत पता चल जाए प्रोडक्ट के बारे में। तो इस पे शीट अभी भी दिया है, पूरा पैलेट यहाँ पे ऐसे ही है, मैंने अभी तक कोई स्वाचेस सिंगल स्वाचेस किया ही नहीं। तो चलिए आपको एक एक लिपस्टिक का स्वाचेस कर देते हैं और इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बता देते हैं बैक कैमरा पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, डीलैंड से जो मल्टीपल लिपस्टिक पैलेट है उसका जो बाहर का पैकेजिंग है आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा पैकेजिंग है। और अंदर का पैकेजिंग डिज़ाइन सब कुछ सेम टू सेम है और ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग में है। ऊपर आपका मिरर दिया गया है और 25 कलर्स है इसमें, और ऊपर एक शीट है तो उसको थोड़ा हटा देते हैं। और ये रहा ओवरऑल कलर और एक मिरर भी है। तो फर्स्ट उसके ऊपर एक शीट लगा हुआ है, प्लास्टिक शीट, उसको निकाल लेते हैं, अच्छा क्लैरिटी मिल जाएगा और बहुत ही अच्छा क्वालिटी है मिरर का। नेक्स्ट है, बैक साइड पे इसका डिटेल्स दिया गया है, इंग्रेडिएंट्स वगैरह, और मेड इन चाइना है। और ये जो प्रोडक्ट है वहाँ पे कितने दिन का आप रख सकते हैं, ओपन करने के बाद 1 साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, आप थोड़ा यूज़ करने से पहले चेक कर लेना। नेक्स्ट, लिपस्टिक के लिए मैं जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ वो है बेली का लिपस्टिक ब्रश, और मैं एक एक स्वाचेस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये है वाइट कलर। वाइट कलर का जो लिपस्टिक दिया गया है, बेसिकली उसका रीज़न है कुछ, मैं आगे जाके आपको वीडियो पे बताऊंगी। मैं हर एक बार ब्रश को क्लीन कर रही हूँ और नेक्स्ट कलर ले रही हूँ, ऐसा नहीं है कि कलर मिक्स हो रहा है, मैं पूरा ब्रश को क्लीन कर रही हूँ। और ये है बेबी पिंक कलर। नेक्स्ट ये रहा आपका थोड़ा, आप इसको क्या कह सकते हैं, हॉट पिंक या फिर बट कूल अंडरटोन पे है। और ये भी आपका हो गया जो बेबी पिंक पे है बट थोड़ा डीप कलर पे है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट रॉ के फर्स्ट रॉ पे जो 5th कलर है मैं वो यूज़ कर रही हूँ, और वो डीप रानी कलर पे, और इसका भी अंडरटोन कूल अंडरटोन पे है। आपको कूल अंडरटोन वार्म अंडर के डिटेल्स में बता देती हूँ, बट फर्स्ट ए सेकेंड रॉ जो है उस पर फर्स्ट कलर है न्यूट कलर, बहुत ही हल्का कलर है। और नेक्स्ट है उससे थोड़ा डार्क शेड पे, ये है ब्राउन न्यूट कलर पे है, बहुत ही अच्छा कलर है, सभी के सभी अलग अलग है। बट ये जो कलर मैं अप्लाई कर रही हूँ, और उसके साइड पे और एक कलर है जो आप देख सकते हैं, ये दोनों कलर सेम ही सेम लग रहे हैं मुझे, आपको भी लग रहे हैं या नहीं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। तो सेम लगा वो कलर, बाकी सब अलग सा लग रहा है। तो नेक्स्ट मैं कलर जो यूज़ कर रही हूँ वो रेडिश न्यू टाइप का कलर है, इस सभी कलर से थोड़ा अलग कलर है ये। और ये रहा डीप ब्राउन कलर, थोड़ा जिसमें ऑरेंज शेड है वार्म अंडरटोन पे, बट इस पे आप बिल्कुल भी स्मच प्रूफ है ही नहीं, ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है, तुरंत ब्लेंड हो जाता है। आप स्वाइप करके मेकअप रिमूवर से, एक स्वाइप से ही पूरा अच्छे से स्किन से निकल जा रहा था, तो ये बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो मैं थर्ड रो पे फर्स्ट कलर ले रही हूँ, ये वार्म अंडरटोन में है और ये है ऑरेंज कलर। नेक्स्ट जो कलर मैं अप्लाई कर रही हूँ वो भी ऑरेंज कलर में है, बट थोड़ा कूल अंडरटोन पे है आपका, जो इससे थोड़ा लाइट भी है। नेक्स्ट जो कलर है वो आप देख सकते हैं थोड़ा वार्म पिंक कलर पे है, और ये आपका है वार्म अंडरटोन के ऊपर। नेक्स्ट जो कलर है वो ऑरेंज टाइप का आपको ऐसे दिख रहा होगा, बट वो थोड़ा रेड कलर में है, वार्म अंडरटोन पे है, ऑरेंजी रेड आप कह सकते हैं, इसलिए कलर ऐसा दिख रहा है, बट पैलेट पे पूरा रेड दिख रहा था। ये है आपका रेड बट
कूल अंडरटोन पे, इस पर आपका ब्लू व कूल अंडरटोन दिख जाएगा। नेक्स्ट जो कलर है वो आपके पूरे सारे कलर के साथ मिक्स्ड मैच करने के लिए, किसी भी कलर को आपको शेड चेंज करने के लिए दिया गया है। जैसे आप कोई भी लिपस्टिक के साथ येलो मैच करेंगे तो वो वार्म अंडरटोन पे आएगा, इसलिए दिया गया है। कलर चेंजेस होता है, रेड के साथ आप येलो मिलाएंगे तो ऑरेंज कलर पे आएगा। नेक्स्ट है पर्पल कलर। आप कोई भी रेड लिपस्टिक, पिंक लिपस्टिक, कोई भी अलग लिपस्टिक पे आपको कूल अंडरटोन पे लाना है तो आप पर्पल कलर यूज़ कीजिए। ये वाला है पिंक और पर्पल कलर, जो पिंक और पर्पल कलर मिक्स करने पे आता है, नॉर्मली वही कलर यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे एक ग्रीनिश, जो जिसको हम कहते हैं ग्रीनिश ब्लू टाइप का, ग्रीन ब्लू फैमिली से सेम वैसा ही कलर है ये, इसको भी आपको मिक्स एंड मैच के लिए ही दिया गया है। नेक्स्ट है ब्लू। ब्लू कलर होता है, कोई भी लिपस्टिक का कलर आपको अगर कूल अंडरटोन पे करना है तो आप ब्लू यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी सेम, कोई भी मैट है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, बट लिपस्टिक उतना अच्छे से ब्लेंड हो अच्छी बात नहीं है। तो ट्रांसफर प्रूफ बिल्कुल भी नहीं है, मैं लिप्स पे यूज़ करूँगी आपको पता चल जाएगा। टोटल 25 क्लास से मतलब कलर है, 25 कलर में से मैं लास्ट पे जो कलर रॉ है आप देख सकते हैं, एक है रेडिश ब्राउन और दूसरा उससे थोड़ा ज़्यादा हल्का है। नेक्स्ट जो कलर मैं अप्लाई कर रही हूँ, ये कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और ये है वाइन कलर, जो आपका कूल अंडरटोन पे है। वाइन मैक्सिमम कूल अंडरटोन वाले पे ही ज़्यादा अच्छे से जाता है। और ये कलर है, ये आपको यहाँ पे शायद अच्छे से पता नहीं चल रहा, थोड़ा कूल ब्राउन रेड शेड पे है, बहुत ही अच्छा कलर पैलेट पे दिख रहा था। और ये रहा आपका ब्लैक कलर और ब्लैक लिपस्टिक, मुझे तो मैं कभी इन्वेस्ट नहीं करूँगी बट पैलेट पे है। इसका भी रीज़न है कि आप कोई भी शेड को डार्क कर सकते हैं, शेड चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कलर को मिक्स करूँगी और मैं पैलेट से कलर ले रही हूँ, एक है पिंक और एक है देखिए डीप पिंक। तो डीप पिंक को आपको अगर लाइट पिंक पे लाना है तो आप डीप पिंक के साथ वाइट कलर को मिक्स कीजिए, इससे आपका क्या हो जाएगा, जो आपका लिपस्टिक है वो बहुत हद तक हल्का कलर पे आ जाएगा। सेम आप किसी भी कलर के साथ मिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है पर्पल कलर और पिंक कलर। और पैलेट पे एक और कलर है जो मैंने आपको बताया जो पर्पल पिंक कलर पे है, तो वही वाला कलर बना रहे हैं। इसको मैंने इस हाथों पे लगाया और जो मैंने बनाया है ब्रश को क्लीन करेंगे और फिर उसको अप्लाई करेंगे। तो इस कलर को फिर से ले रहे हैं और साइड पे अप्लाई कर रहे हैं। ये जो कलर है ना वो आपको आपके हिसाब से मैच करना है। देखिए दोनों का कलर एग्जैक्ट सेम आ गया और मैं थोड़ा हाथों पे भी मिला के देख रहा हूँ, एक है पर्पल कलर, पूरा पर्पल। नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, वो जो पिंक कलर है उसको भी ले रही हूँ और दोनों को मिक्स्ड करना है। दोनों को मिक्स्ड करेंगे तो देखिए जो साइड पे कलर है उस कलर पे आपका कलर आ जाएगा। ऐसे ही मिक्स एंड मैच करना है आपको लिपस्टिक को लेके। और यहाँ पे मैं जो कलर मैंने बनाया है जो पैलेट पे ऑलरेडी है उसके साथ येलो कलर ले रही हूँ। इससे कौन सा कलर बनता है वो थोड़ा अलग बनता है, इससे थोड़ा ब्राउन कलर बनता है। मतलब आपको देख के मतलब लगेगा कि दोनों ही लाइट कलर हैं, उससे थोड़ा न्यूट कलर कैसे बन सकता है। तो इससे एग्जैक्ट थोड़ा न्यूट कलर बन जाता है, आप देख सकते हैं उसमें थोड़ा पर्पल लगा हुआ था इसलिए, वरना पूरा न्यूट कलर आता है। तो इतना सारा लिपस्टिक वेस्ट हुआ क्लीन करने पे। आप अगर मेरा वीडियोस देखते हैं इतना सारा मेहनत जाता है, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मुझे कोई पीआर पे नहीं मिला, मैंने अपने खुद के पैसे से ख़रीदा है और फर्स्ट लिपस्टिक यूज़ किया है और ये हाल है। मैं जेन्युइन रिव्यू देना चाहती थी इसलिए ऐसा किया है। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो गाइस अभी कुछ मैं शेयर करने जा रही हूँ, वो वाला लिपस्टिक का प्राइस बहुत कम है, 1000 समथिंग उसका प्राइस है, आप उसको ऑफ़र में 899 पे आपको मिल जाएगा। और मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी, पर्पल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। बट सबका एक शिकायत होता है कि उस लिपस्टिक का फुल मैट नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, निकल जाता है। हाँ एकदम जेन्युइन है। बट मैं आज कुछ लिपस्टिक आपके साथ शेयर करूँगी, ये है मैक का लिपस्टिक, मैक का बुलेट लिपस्टिक, जिसका प्राइस है 1750। एक ही शेड है इसको और इसमें जो शेड अवेलेबल है मेरे पास वो है क्रीम इन योर कॉफ़ी। और ये जो शेड है मैंने अभी वेयर किया है वही सेम शेड है, मैं थोड़ा दिखा देती हूँ आपको। ये भी आपका
क्रीमी शेड है, मैट शेड बिल्कुल नहीं है, आपको देख के भी पता चल रहा है। 1750 का लिपस्टिक है गाइस, बट बिल्कुल भी ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, स्वाच प्रूफ नहीं है। तो 1750 का लिपस्टिक भी आपको अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो आप इतने कम में भी कैसे, मतलब कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मैक का है, ओरिजिनल है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी। तो आपको अगर मैक के लिपस्टिक पे ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं मिल रहा तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपको नॉर्मल उतने बजट पे नहीं मिल रहा, तो ठीक है ना। आप अगर ऐसे नॉर्मली वेयर करना चाहते हैं वेयर कर सकते हैं। आप अगर शूट करते हैं, बहुत ज़्यादा मेकअप आर्टिस्ट है आप अगर शूट करते हैं शूट के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ब्राइडल पे आप यूज़ नहीं कर सकते, बट मैं आज थोड़ा सा टिप्स दूँगी ताकि आप भी कोई भी ऐसा क्रीमी लिपस्टिक को मैट बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को प्लीज़ मतलब जो मेरे चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको अगर अच्छा लगता है, क्योंकि आपका एक एक कमेंट आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए एक लिपस्टिक उस पैलेट से वेयर करते हैं और दिखाते हैं उसको आपको मैट या फिर लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाना है। थोड़ा डीप कलर यूज़ करती हूँ, ये वाला कलर यूज़ करती हूँ। मैंने डार्क लिपस्टिक इसलिए यूज़ किया है ताकि आपको इसका पिगमेंट जो है वो पता चले। वैसे भी मैंने नीचे ही लिप्स पे अप्लाई किया था और स्मच कर लिया, इतने में इतना अच्छा पिगमेंट आपको मिल जाता है। बट इसको दिखा देते हैं, थोड़ा मतलब लिपस्टिक जो है वो ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है। एक लिपस्टिक मुझे लिप पे वायर करके दिखाना पॉसिबल नहीं हो रहा है वीडियो पे, मैंने स्वाचेस दिखा दिया है। आपके पसंदीदा कोई भी कलर, कैसे कलर बनाते हैं वैसे आप वायर कर सकते हैं नॉर्मली, लिटरली ऐसा नहीं है कि लिप्स पे जाने पे, बट हाँ शेड पे थोड़ा चेंज होता है। आप अगर फेयर शेड पे हैं तो आप कोशिश करिए कोई भी लाइट कलर का लिपस्टिक ना वेयर करें। आप कोई भी फेयर शेड पे है तो यूज़ कर सकते हैं, बट मीडियम पे है तो आप थोड़ा डार्क पे चले जाइए। और आपका स्किन टोन अगर बहुत ज़्यादा डार्क है तो आप ऐसे डार्क लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं। आप तब ऐसे फेयर कलर का जो न्यूड होता है, फेयर न्यूड आप यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बेसिकली आपका कलर है, आपका लिपस्टिक है, आप कैसे वेयर करना चाहते हैं टोटली आपके ऊपर है। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो आप देख रहे हैं ये ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है, तो मैं फिर से सेम लिपस्टिक को अप्लाई कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा ट्रांसफ़र प्रूफ बनाने की कोशिश करते हैं। जो यूज़ कर रही हूँ वो है आई शेडो पैलेट, और मैं आई शेडो यूज़ करूँगी कलर को। आप पाउडर से भी कर सकते हैं, बट एक थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इतना जो डीप कलर है वो रह नहीं जाता, थोड़ा सा पाउडर लगाने पे वो थोड़ा मैट तो हो जाता है, उसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है। तो आज मैं क्या करूँगी, मुझे एग्जैक्ट इसके कलर का एक कलर मिल गया है ये वाला, तो मैं यही अप्लाई करूँगी। उससे पहले मैं डैब डैब करके जो लिपस्टिक है उसके ऊपर आई शेडो को प्लेस कर रही हूँ। आपको ज़्यादा ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मैं इसके साइड पे ही, आप ब्राइडल को दे सकते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, मैंने भी फर्स्ट ख़रीदा है। मैं भी ट्राई करूँगी पार्टी मेकअप को देने के लिए, बट ब्राइडल पे अभी नहीं करूँगी। बट हाँ, जब मैं डेमो दूँगी तो ट्राई करके देखेंगे कितना टाइम तक होता है और इसका लास्टिंग पावर कितना आ जाता है। बट अभी कलर नहीं आ रहा है, मैं इस हाथ पे करती हूँ, एकदम हल्का आ रहा है, मतलब उतना तो इट्स ओके। वो कोई भी आप महंगा भी ख़रीद लेंगे तो भी आएगा इतना। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।